क्योंकि ये इंद्र है, सिद्ध पुरुषों के अवरोध यज्ञ करने में आपकी तपस्या को रोकने के लिए। उनको भय रहता है ना कि सिद्ध हो गए तो हमारी गरिमा छीन होगी, है ना। बारिश जोर की होने लगी है, त्राहि त्राहि मच गई है। इंद्र की कुदृष्टि हो तो यही होगा, वरुण देवता की व्यवस्था को आप जो भी माने, पर इंद्र तो अवरोध करने के बिना रहते। अहंकार पे अहंकार बाध्यता होती थी कि भाई ये करेंगे तो ये करेंगे तो ये होगा, लेकिन अब ब्रज के लोगों ने समझ लिया है कि जगत का पालक तो मेरा नंदलाल है, तारनहार मेरा गोपाल है। तो ब्रजवासी कहते हैं कि दही के लिए गाय चराए हम, मेहनत करें हम, और मक्खन मथुरा क्यों दे दें जी। हमारा जब रक्षा हमारा नंदलाल करता है तो हम दूसरे को मक्खन क्यों दे। कन्हैया आज से चोरी बंद, तुझे जितनी चाहिए घर में आके खुद भी खा जाइयो, अब तुझे हम कभी चोर नहीं कहेंगे। कालियादास से किसने बचाया? अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, सर्वतारे राक्षसों का महाराज तिवारी जी, सारे राक्षसों का संहार हुआ, पर ये हमारे आपके बीच में जो बैठा है वृत्तिसुर, वो कैसे सुधरे इसके बारे में देखना है। क्योंकि प्रकृति तो बदल जाती है, पर ये मानव की वृत्ति नहीं बदलती। ये वृत्ति कैसे बदलेंगे? बारिश हो रही है, बार बार लोग समझा रहे हैं कि नहीं, लेकिन ब्रज वालों ने ठान लिया है कि अगर मेरा पालनहार तारनहार सब भगवान है, सब बालकेश्वर है, सब योगेश्वर कृष्ण है, नंदलाल है, बिहारी है, मेरा ठाकुर है, तो अब हम किसी को कुछ देंगे नहीं, ना ही हम यज्ञ करेंगे। कोप होता है, बारिश होती है। अभी गोवर्धन पूजा और आरती की तरफ जा रहे हैं, थोड़ी समय में 5-10 मिनट में। लेकिन कल से निवेदन है, अभी जो आप लोगों से कहा शांति सुरक्षा का ध्यान रखें। हमें अगर हमारे से बड़े कोई कहे तो मान लेना चाहिए, लेकिन हम मानते नहीं। सबने मिलकर गोवर्धन की पूजा की तैयारी की है। एक छोटा सा चेतावनी, बाप बेटे को बार बार समझाए, गुरु शिष्य को समझाए, पर वो माने ना। जमाना बदल गया, सौ जूते खाए, तमाशा घुस के देखे, उनके कोई फर्क ना पड़े जी। कि सबसे ज्यादा कोई मारेगा ना और 99 में मेरी इज्जत जाने की नहीं, तो फिर क्या मतलब है। तो अपने कर्म करते ही रहेंगे, पर उनको भी मेरा प्रणाम, जय श्री राधे। समझाते हम फिर भी समझ न पाते, तुम पग पग पर समझाते हम फिर भी समझ न पाते, कि कैसा दोस्त हमारा हम गलती करते जाते। कैसा दोस्त हमारा हम गलती
कहता है सावधान ये मत कर, लेकिन नहीं बाल देखिए नादानी जी को चलाए व्याकुलता बढ़ती जाए बैरी मन भगवान मेरा मुझे क्या क्या मनाते ये कैसा बस हमारा हम गलती करते जाते ये कैसा बस हमारा हम गलती करते जाते हमें नित नए सपने आते ये कैसा दोस्त हमारा हम गलती करते जाते ये कैसा दोस्त हमारा हम गलती करते जाते समर्पण कर लेती है और कहती है प्रभु हार गया अब मुझे आकर सबल बना दामन अचुअल से बीका ब्रह्मांड पूरी आप लोग शास्त्र हैं मंत्रों से हमारे ब्राह्मण पूजा करेंगे ये सूक्ष्म रूप से भगवान का आगमन होगा वेद मंत्रों से गोवर्धन पूजा होगी आयोजक नाम वाला गड़बड़ हो जाता भूल जाता हूँ
अश्विनी चौहान जी और हितेंद्र चौहान जी सब परिवार और बाद में सारे लोग एक आयोजक तो आप सारे हैं समान योजक। बारिश हो रही है, कोप हो रहा है, भगवान ने एक उंगली पर अपने गोवर्धन को धारण कर लिया और साथ में सारे ग्वाल बालों ने अपनी लकड़ियां लगा दी। ऐसे आप सारे लोग समायोजक आयोजक कृष्ण का स्वरूप यहाँ पर भागवत होता है, आप सब लोगों को मिलकर के धार्मिक कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। और गोवर्धन को रोक करके वहां पूजा किया, 56 प्रकार के भोग लगाए गए, आए आप लोग भी पूजा करेंगे, तारतम्यता से एक के बाद एक आते रहेंगे और सब मिलकर स्तुति करेंगे। पूजा के बाद हमारी शिष्या हमारी बेटी पूनम जी आपको सुनाएंगी, जय गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। उसके बाद आरती। माइक दे दो भैया, ये ले लो, ठीक है, बैठा हो जाएगा। हरि हऊ, हाँ चलिए चल अपने को सीखिए। ओम अपवित्र पवित्र सर्वावस्थांगत पिवा यह स्मरेत इंद्रिकाक्षं सबाह्याभ्यां तरा सुचि। हाँ हाथ में अक्षत को सुला ले, मैं गोवर्धन भगवान का ध्यान करें। ओमिदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि दधे पदं वासमौडं सपाद्गं सुरे स्वाहा विष्णवे नमः गोवर्धनाय नमः। ध्यानं समर्पयामि, छोड़ दीजिएगा वहीं पर, जल से स्नान करवाइए। पाद्यो पादं समर्पयामि, हस्तो अर्घं समर्पयामि, मुखेषु आत्मनियं जलं समर्पयामि। वस्त्र पहना दीजिएगा वस्त्र। ओम सुजात ज्योतिका सहसर्म परो थमाद स्वाहा वास अग्ने विध्वरोपगम संवस्वाभावसो वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रान्ते गंधम, चंदन लगाइए। ओम तांगन्द्रवा अगनस्तामिंदरस्ताम बृहस्पते कामखदे सोम राजा विद्वान क्षमाडमुच्छत गंधम समर्पयामि। गंधान्ते अक्षताम चावल। ओम खन्नमे मदंत जवप्रिया अदोखता असोखता स्वभानव विभ्रान्न मिटाया मति जो जानविन्द्रते हरि पुष्पम फूल औखदेह प्रतिमा जलवम स्वभावदेह प्रजोवरे अथवा एव सजवारीर्भिरुदः पारष्टवः पुष्माल्यां समर्पयामि। पुष्मालान्ते धूपं दीपं दीपस्य देवताभ्यो नमः। अब जो है जो गोवर्धन जी के लिए भोग लाए हैं, अब खोलिए, भोग लगाना है, पर्दा हटा दीजिए पर्दा। और नैवेद्यम समर्पयामि, जल फिराइए। ओम नाभ्यायासि, अश्विनी कुमार जी, हाँ ओम नाभ्यायासि तंत्रजकं शेषांभ्यः समवृताभ्यां होम त्रिसहस्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्यान्ते प्रत्ययात्मनियं जलं समर्पयामि। हाँ रुक जा भाई रुक जा, एक घंटे और इंतजार करो, मुझे पता है जहाँ हूँ वहाँ तू आ जाएगा। प्रत्ययात्मनियं जलं समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भाः समवृतताग्रे भोत् सजातः
बदरी कया सीता सदाधार विद्याम ते माँ कस्मै देवाधिका पृथे माँ द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि गोवर्धनाय नमः। प्रार्थना प्रार्थना करें या सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ते नारायण सरस जासन सन्निविष्टा के ओरवान मकर कुंडल वन किरीटे हरि हिरण्य वपोर्धत शंख चक्र शंख चक्रम स किरीट कुंडलम सपीते वस्त्रम सुरशिरोहे क्षणम प्रहार वस्त्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् श्रीकृष्ण चंद्राय नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। आओ भोग लगाओ मेरे मुरन आओ भोग लगाओ शांति शांति। 5 मिनट में सब ठीक हो जाएगा, ये सब होता रहता है मेरे साथ। दूर दूर इससे दूर आप लोग दूर रहिए खाली वहां से। हेलो, आप लोग शांति से बैठिए, कोई हिले डुले नहीं। भैया टेंट वाले भाई साहब जहां भी है इधर आ जाइए। आपका एक पंखा गिर गया तुरंत मारो, और बाकी आप लोग दूर रहिए थोड़ा। जीमो जीमो हमारे नंदलाल जिमावे बेटी जात के हमारे नंदलाल जिमावे बेटी जात के। सकते हैं जल्द से कर दीजिए महाराज। पूरा हो गया।
उधर बोले बाप के बिहार लाल की, गोमर धन महाराज की, ये दुनंदन गोपाल की। अब आपके समक्ष हमारी बिटिया जय गोवर्धन महाराज सुनाएंगे, उसके बाद आरती। श्री गोवर्धन महाराज के माथे मुकुट
बोम बोम गांजा मांगे ली भरे जो तैयारी करें
को बिहारी जी की आरती उतारने की तैयारी है। शांति से रहे और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। आरती पूजा बिहारी की, आरती पूजा बिहारी की, श्रीधर